क्या नाम है बाबूजी आपका? जगदीश। जगदीश जी, अभी आपने ट्रीटमेंट लिया, क्या रिलीफ हुआ? मुझे 50% रिलीफ। 50%? क्या प्रॉब्लम थी सर? अरे घुटनों में दर्द था, उठने बैठने में दिक्कत होती। अच्छा, तो आपका कमर में भी दर्द था? हाँ, तो अभी आप अब बैठा हूँ, ऐसे नहीं बैठता। खड़े होने में क्या दिक्कत थी आपको? खड़े होके दिखाना। खड़े होने में जैसे घुटनों में दर्द होता था, उठ सकता। अच्छा, और अब? अब उठ सकता हूँ। अगर आप अब उठ सकते हो तो ये जो आपको प्रॉब्लम है ना, अब सही में बता देता हूँ, कमर की प्रॉब्लम है। कमर से जो ब्लड सप्लाई पैरों को आती है ना बाबू जी, वो रुकी पड़ी है, तो उसका ट्रीटमेंट दिया तो आपके पैरों में आराम हो गया। और ये इसका मैं आपको रीजन बता दूं, L4-L5 में जो नस है ना, वो कहीं ना कहीं बल जाए कमर की। तो मैंने आपका आपको सारा ट्रीटमेंट कमर का ही दिया, तो कमर के ट्रीटमेंट के हिसाब से जैसा कि हमने एडजस्टमेंट की है, अलाइनमेंट बिगड़ी हुई थी आपकी, तो अलाइनमेंट को ठीक किया। तो अलाइनमेंट ठीक होते ही आपका पैरों का ब्लड सर्कुलेशन ऑन हो गया और घुटनों का दर्द ठीक हो गया। ठीक है जी, आप हमारे इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे लोगों के बारे में? सही हूँ कि दवाई गोली खा खा के पेट भरने से अच्छा आपने अपने यहाँ करवाओ, अल्टरनेटिव मेडिसिन द्वारा इलाज करवाओ, फिजियोथेरेपी करवाओ, एक्यूप्रेशर थेरेपी करवाओ, मतलब थेरेपी से जुड़े रहो। हम ये नहीं कहेंगे कि मेडिसिन गलत है, मेडिसिन का सहारा हम उस टाइम लें जब हम ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन में हो, क्रिटिकल हालत में हो, तो एलोपैथ ही उस वक्त हमारी मदद करती है। तो एलोपैथ गलत नहीं होती, एलोपैथ ठीक होती है। एलोपैथ से उस वक्त जुड़ना है जिस वक्त हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है जी, धन्यवाद जी, अब आप जा सकते हो, आपका वेट कर